एक साहब ने यह सवाल भेजा है कि क्या ना महरम औरत की मैयत को कंधा देना उसको कब्र में उतारना और उसका चेहरा देखना कैसा है तो इस बारे में गुजारिश यह है कि जनाजा मर्द का हो या औरत का महरम का हो या ना महरम का जनाजे को कंधा देना बाय से सवाब है और जनाजे को कंधा देने के सुन्नत तरीका ये है कि यके बाद दी करे चारों पायों को कंधा दिया जाए और हर बार दस दस कदम चला जाए रसूल करीम ने फरमाया मन शहीद जनाजाता हत् युस कीरात। जो जनाजे में हाजिर हुआ और उस पर नमाज जनाजा पढ़ी उसके लिए एक क़ीरात के बराबर अजर सवाब है वमन मन शहदा हत् तुदफाना और जो मैयत के दफन किए जाने तक हाजिर रहा यानी कब्रिस्तान तक गया और दफन में भी शरीक रहा तो उसके लिए दो कीरात के बराबर अजर है आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम से पूछा गया कि मल क़ीरातान ये कीरा तान का मतलब क्या है तो आपने फरमाया कि मासलुल मासल्जाबल आजिमैन दो बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर अजर सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है मैत को कबर में उतारने वाले मर्द हजरात ताक़त वाले नेक परहेजगार मुतकी अमानतदार हों औरत का जनाजा कबर में उतारने वाले महारम हों महारम के होते हुए गैर महारम को नहीं उतारना चाहिए औरत की मैयत कबर में जैसा कि फतावा आलमगिरी में मौजूद है वजूर रहीमिल महरम अवलाब मिन गैरहम औरत को क़बर में उतारने वाले महरम रिश्तेदार गैर महरम से बेहतर हैं वक़ा ज़ुररा गैर ममहरम अवला मिनल अजनबी और इसी तरह ग़ैर महरम रिश्तेदार अजनबी लोगों से बेहतर हैं फिल्म यकुन फला बसल अजानब अगर औरत के दोनों किस्म के रिश्तेदार नहीं हैं महरम भी और ग़ैर महरम भी अजनबी मर्द भी उसे कब्र में उतार सकते हैं कंधा देना भी जायज़ कब्र में उतारना भी जायज़ बशर्ते कि उसके महरम रिश्तेदार ना हो, अगर वो मौजूद हैं तो वो खुद कब्र में उतारें गैर महरम औरत का चेहरा नहीं देख सकता ना उसको हाथ लगा सकता है अलबत्ता शौहर अपनी वफात याफ्ता बीवी का चेहरा दे सकता है जनाजे को कंधा भी सक, दे सकता है कब्र में भी उतार सकता है आवाम में जो ये बात मशहूर है कि शोहर औरत के जनाजे को कंधा ना दे ना कब्र में उतारे ना मुँह देखे तो ये गलत है शोहर के लिए अपनी वफात याफ्त बीवी को बरह रास्त छूने की हाथ लगाने की ममान्यत है ज़रूरत के तहत औरत के बदन पर कपड़ा डालकर या हाथ पर कपड़ा लपेट कर उसे छू सकता है हाथ लगा सकता है गैर महरम मर्द के लिए औरत का चेहरा देखना जायज़ नहीं